ऑब्वियसली काफ़ी सैड है फातिमा के जो उसके साथ ट्रेजिटी हुई है उसके फादर की लॉस हुई है और काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है उसके लिए और ऑब्वियसली उसके जाने से थोड़े से हमारी कॉम्बिनेशन में फ़र्क तो पड़ेगा बट वी हैव रिसोर्सेज टू कवर ऑल द बेसिस ऑब्वियसली हर टीम के खिलाफ उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उसको देखते हैं और उस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हमें इस मैच को किस तरह खेलना है तो चीज़ें हमने काफ़ी डिस्कस किया कि हम किस तरह गेम को अप्रोच करें और कोशिश करेंगे कि कल अच्छे रिजल्ट्स दें Uh, थोड़ा सा डिफरेंस है uh, दुबई में हमारे ज़्यादा मैचेस हैं और वहाँ पे थोड़ा सा बाउंस है और थोड़ा सा पेस को ज़्यादा uh, फ़ायदा होता है uh, बट यहाँ पे यह है कि uh, जो ग्राउंड की डायमेंशन है वो काफ़ी बढ़ी हैं जिसकी वजह से बड़े शॉट मारना इतना ईजी नहीं है बट आई थिंक के उसको हमने रेक्टिफाई किया है कि हम अपने स्कोरिंग एरियाज़ कैसे बढ़ा सकते हैं तो कोशिश करेंगे अगले जो दो मैचेज़ हैं उसमें बैटिंग की अप्रोच डिफरेंट दिखे और रन स्कोर करें बिल्कुल कोशिश यही होती है कि एज़ अ बैटर आप रन स्कोर करें और अपनी टीम को एक प्लेटफॉर्म सेट करके दें एज एन ओपनर जिससे वो आगे पूरा मैच लंबे स्कोर कर सकें वो चीज़ दो मैच से मिसिंग है मेरी तरफ़ से भी और एज अ टॉप ऑर्डर बैटर देखें हम सबकी तरफ से मिसिंग है तो हमने काफ़ी उस पर बात की है और इसको कोशिश करेंगे कि अगले दो मैच में अच्छा Obviously, Fatma is our captain, and uh, the uh, qualities she possesses, like batting and bowling, which is very good and gives our team a good balance. So, obviously, we will miss her as a captain and as a player, uh, but we will try to win the match for her and her father obviously if we can win a match tomorrow it would be really helpful for us uh, as a team and but for fatma as well because she will be missing out tomorrow uh, but we want to play for her and for her father as well and we will play a good match against australia ऑबवियसली uh, मुझे वाइस कैप्टन सी लास्ट सीरीज में मिली थी जब फातिमा कैप्टन बनी थी तो उसमें वो एक मैच मिस आउट की थी ऑन अ मैच तो उसमें मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था और काफ़ी हेल्पफुल थे और जब फातिमा का हमें पता चला तो हम काफ़ी सैड थे बट उसकी तरफ से भी यही कॉन्वर्जेशन थी कि हम लोगों ने अच्छा खेलना है और हमारी भी यही अप्रोच थी कि ऑब्वियसली सैड मोमेंट है उसके लिए भी और एज अ टीम हम भी उसके लिए जो फील कर रहे हैं बट हम यहाँ पे मैच जीतने आए हैं और हमें उस पर भी फोकस करना है तो हमारा उस पर फोकस है और अच्छा खेलेंगे कल ऑब्वियसली वो थोड़ी न्यू ड्रिल्स हैं जो हमने अपनी प्रिपरेशन में ऐड की हैं जब से हमारे कोचेज कोच आए हैं हनीफ मलिक और जो हमारे हेड कोच भी हैं वो आ, ये एक प्रोसेस है जो हम रोज़ फॉलो करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रॉपर तरह से आई थिंक इस तरह से अभी दिखे नहीं है बट ये एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और वी आर होपफुल के एज यूनिट हम लोग कलेक्टिवली जो अप्रोच की बात है वो उसको पूरा कर सकें Uh, वो मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और देखा जाए तो अपोजिशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था uh, uh, हमारी यही कॉन्वर्जेशन थी कि इस विकेट पे इतना आसान नहीं है रन स्कोर करना और इवन हंड्रेड रन भी हो तो वो आप देखें काफ़ी एंड में जाके स्कोर हुआ था तो उसमें कॉन्वर्जेसन यही थी कि हम जितना ज़्यादा उनको कम रन दें और जितने हम उनकी पार्टनरशिप तोड़ें उस चीज़ की बात चल रही थी और जो एटीट्यूड की बात है वो यही माइंडसेट हम लाना चाह रहे हैं कि चाहे हम लो स्कोर भी करें बट या बड़ा स्कोर भी करें बट उसमें एंड टाइम तक यही हमारी हो अप्रोच के हम गिव अप ना करें और लास्ट बॉल तक फ़ाइट करें बिल्कुल सादिया देखें तो पिछले एक डेढ़ साल से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर रही हैं हमारा न्यू बॉल से भी और उसके साथ नशा जिस तरह मिडिल ओवर्स में हमें सपोर्ट करती हैं बिल्कुल ये है कि समटाइम्स ओवर लुक हो जाती है बट वी नो एज अ ग्रुप के वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उन्होंने हमारी कितनी मुश्किल मैच में हमें पार्टनरशिप्स तोड़ के दी और कंटेन करके दिया है तो एज अ ग्रुप विद हम सबकी हमें सबका आइडिया है और हम सबको वैल्यू करते हैं और वो दोनों वीनो के ऑन अ डे बिल्कुल हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जब हम यहाँ पर आए थे तो रात में ड्यू होती थी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैचेस में यहाँ पे ड्यू हुआ करेगी बट uh, जो भी हमने एक रात का मैच खेला हमने इतना uh, फ़ील नहीं किया कि ड्यू का कोई फैक्टर था तो कोशिश uh, सारी टीमों की इसलिए यही है कि पहले बैटिंग के ताकि ज़्यादा स्कोर कर सके और क्योंकि उसको डिफेंड करना ईजी हो रहा है इन विकेट्स पे तो आई थिंक uh, जो टॉस uh, वाली बात है वो इस ड्यू का फैक्टर भी है इसमें बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड नंबर वन साइड है और दबाव ऑब्वियसली इतना नहीं है बिकॉज हमारे पास कोई लूज करने के लिए नहीं है अगर हम जीतते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट होगा उनके खिलाफ जीतने के लिए तो वी हैव टू प्ले आर बेस्ट और हम अपनी पूरी एक्सप्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें ओब्वियसली यहाँ पे देखे बड़ी टीम के खिलाफ हमें स्कोर करना पड़ेगा ताकि हम अच्छा डिफेंड कर सकें तो आ, कोई भी चीज़ 140 प्लस जो होगी वो बहुत अच्छा स्कोर होगा इस विकेट पे, जिसमें हम उनको आ, बहुत अच्छा चांस दे सकते हैं अपने आप को जीतने के लिए